नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 11 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संबंधित न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। अभी देखो, हमारे देश में सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा अलग अलग राज्यों में उनके अलग ही एजुकेशन बोर्ड हैं। जैसे हरियाणा के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा में अलग से हरियाणा बोर्ड है, महाराष्ट्र में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग से महाराष्ट्र बोर्ड भी है। तो इससे होता क्या है कि एजुकेशन में डिस्पैरिटीज आ जाती हैं, क्योंकि कुछ तो स्टेट्स के जो एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ स्टेट्स के जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो देखो, नॉलेज डेसिमिनेशन में काफ़ी सारी डिस्पैरिटीज इससे हो जाती हैं। तो इसीलिए पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप पूरे देश के लिए एक ही एजुकेशन बोर्ड बना दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही प्रीवियस स्टैंड को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अपने एक ऑर्डर में कहा था तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि अगर पूरे देश में कॉमन सिलेबस होता है एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे हमारे देश में यूनिटी आएगी, कोड ऑफ कॉमन कल्चर डेवलप होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वन एजुकेशन वन नेशन की जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल था, पूरी न्यूज थी सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। सुबह हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी डिटेल से इस इशू को समझा था। अभी प्रीलिम के लिहाज से WTO के बारे में कुछ फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। 11वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, 10 से 13 दिसंबर तक स्टार्ट हो चुकी है। अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में हो रही है ये WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एक बार आप लोकेशन भी देख लीजिए, अर्जेंटीना की साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यह है साउथ अमेरिका का मैप और अर्जेंटीना नीचे है। आसपास के देशों पर नजर डालें तो यहां पर चिली है, ऊपर प्रागुए है और यहाँ पे उरुग्वे है, ये ब्राजील है, ये बोलीविया है। तो देखो, बोलीविया लैंड लॉक कंट्री है, प्रागुए भी लैंड लॉक कंट्री है, समुद्र से टच नहीं होता, ओशन से टच नहीं होता। UPSC कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है। और अर्जेंटीना के इस ब्यूनस आयरस शहर में हो रही है 11वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी है WTO की। दो साल में एक बार होती है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, पिछली बार हुई थी नैरोबी में, कीनिया में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करें WTO के बारे में, तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक बात आप याद रखिएगा, UN से ये WTO नहीं जुड़ी है, मतलब UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। WTO अलग से एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वो बात अलग है कि कोऑपरेट करती है WTO UN के साथ, लेकिन UN का अंग नहीं है, UN की ब्रांच नहीं है, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है WTO। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, सुबह हमने डिस्कस किया था। इसे बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। और WTO जो है वो GATT की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। WTO से पहले ट्रेड को रेगुलेट करती थी एक बॉडी जिसका नाम है GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बॉडी जो है GATT, वो WTO से पहले इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती थी। तो WTO जो है वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में इसे बनाया गया था और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स की संख्या है 164। ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया था 2016 में कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये सारी जो टर्म्स यूज होती हैं वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में यूज होती हैं। WTO अफेयर्स, SAARC अफेयर्स, UNFCCC अफेयर्स, इंडिया EU नेगोशिएशंस ऑन FTA। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो किसी सीरियस UPSC एस्पायरेंट का गलत होगा, ऐसी संभावना काफ़ी कम है। क्योंकि जो सीरियस UPSC एस्पायरेंट्स हैं उनको तो डिटेल से पता होगा अंदर से, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है, जो हमने सुबह डिस्कस किया था। फिर उससे ये पूछना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन आप देखिए, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। पहला ऑप्शन, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड रिसोर्सेज फ्लो अक्रॉस कंट्रीज, बिल्कुल सही है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना काम है WTO का। दूसरा ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रिप से डील करता है WTO, आपको पता ही होगा। तीसरा ऑप्शन है मैनेजिंग बैलेंस ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बैलेंस ट्रेड। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या WTO का काम बैलेंस ट्रेड इस्टैब्लिश करना है या फ्री ट्रेड इस्टैब्लिश करना है? फ्री ट्रेड इस्टैब्लिश करना है, बैलेंस ट्रेड इस्टैब्लिश करना WTO का काम नहीं है। मतलब कि अब देखो, आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सोमालिया और चाइना आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, सोमालिया के पास तो बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जो चाइना को एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन चाइना के पास तो दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो सोमालिया को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली
जो चाइना है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा सोमालिया को, सोमालिया काफी कम एक्सपोर्ट करेगा चाइना को, तो डब्ल्यूटीओ इस चीज में बीच में कुछ नहीं कहेगा कि हाँ भाई ट्रेड को बैलेंस कीजिए। अगर 100 बिलियन डॉलर का चाइना सोमालिया को एक्सपोर्ट कर रहा है तो सोमालिया को भी मौका मिलना चाहिए कि 100 बिलियन डॉलर का वो चाइना को एक्सपोर्ट करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करेगा कि अगर सोमालिया कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट करना चाहता है चाइना में, लेकिन चाइना उसमें रोड़ा अटका रहा है, चाइना या तो इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर रहा है या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स की सहायता से सोमालिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो डब्ल्यूटीओ बोल सकता है, अदरवाइज बैलेंस नहीं कर सकता। समझ गए? अब जैसे इंडिया और चाइना के बीच में भी ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ गया है, तो डब्ल्यूटीओ इस चीज पे नहीं बोलेगा। वो तो अपने अपने देश की, अलग अलग देशों की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जो जितना एक्सपोर्ट कर सके किसी दूसरे देश को। लेकिन हाँ, फ्री ट्रेड के बीच में कोई भी देश अगर रोड़ा अटकाएगा तो डब्ल्यूटीओ बोल सकता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है यहां पे। चौथा ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसा देखो कोई स्पेशल चीज मेंशन नहीं है डब्ल्यूटीओ में कि ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना है। हाँ, सभी देशों के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना है, लेकिन ये ईस्टर्न ब्लॉक जैसा कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है। डब्ल्यूटीओ के लिए सभी जो मेंबर्स हैं वो एक समान हैं, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, 1 और 2। तो ये इस प्रकार से थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बोधी पर्व के बारे में है। बोधी पर्व बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज है। 20 साल पूरे हो चुके हैं देखो बिम्स्टेक को बने। 1997 में बैंकॉक में बिम्स्टेक को बनाया गया था, तो अब 20वीं एनिवर्सरी पे ये बोधि पर्व सेलिब्रेट किया गया, जो कि बुद्धिस्ट हेरिटेज को सेलिब्रेट करने वाला एक फेस्टिवल था। दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, तो इस मौके पे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो फिल्म्स हैं उनकी स्क्रीनिंग हुई, डांस म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसका एग्जीबिशन हुआ। तो ये सब चीजें हैं देखो बोधि पर्व में। अब बिम्स्टेक के बारे में हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर कंट्रीज हैं इस बिम्स्टेक में। 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है। 1997 में इसे बैंकॉक में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। समझ गए? शुरू में 4 देश थे सिर्फ, बांग्लादेश था, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, 4 देश थे सिर्फ। बाद में 3 अलग दूसरे देशों ने ज्वाइन किया और अब 7 मेंबर्स हैं। और काम क्या है? काम तो देखो सिंपल से होते हैं, इकोनॉमी को कोऑपरेट करना, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना, ये सब बातें होती हैं नॉर्मल सी। तो ये बिम्स्टेक के बारे में आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है डे जीरो के बारे में। साउथ अफ्रीका में सिटी है केप टाउन, वहां पर सुर्खियों में है डे जीरो। डे जीरो का मतलब यह है कि देखो केप टाउन में डैम्स की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि अगले साल मई 2018 में घरों में, केप टाउन के घरों में वहां पे टेप्स में यानी टूटियों में पानी आना बंद हो जाएगा। डैम की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर। तो अगले साल मई 2018 में जो वहां की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं केप टाउन की, वो घरों में पानी की सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो घरों में पानी आना बंद हो जाएगा। उस दिन को कहा गया है डे जीरो। समझ गए? तो इस प्रकार से यूपीएससी पूछ सकती है कि डे जीरो वाटर क्राइसिस से संबंधित है, कौन से देश से जुड़ा है या फिर कौन सी सिटी से जुड़ा है। तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन से जुड़ा है, वो वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। तो डैम्स की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि अगले साल मई 2018 में वहां पे घरों की टूटियों में पानी आना बंद हो जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एक्साइटोनियम के बारे में है। एक्साइटोनियम मैटर की नई फॉर्म है। तो याद रखिएगा यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछती है। एक्साइटोनियम वाज रिसेंटली न्यूज, क्या है एक्साइटोनियम? कुछ वेव है या फिर नई फॉर्म ऑफ मैटर है या फिर क्या है? तो याद रखिएगा मैटर की नई फॉर्म है एक्साइटोनियम। देखो मैटर के 5 नॉन फेजेस हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। तो एक्साइटोनियम जो है वो एक कंडेंसेट है और एक्साइटोन पार्टिकल से मिलकर बना है एक्साइटोनियम। सुपरकंडक्टर की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है एक्साइटोनियम। सुपरकंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जीरो रेसिस्टेंस शो करते हैं अगर टेम्परेचर काफी कम कर दिया जाए तो, यानी जीरो रेसिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अगर टेम्परेचर काफी कम कर दिया जाए, तो उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज शो की जाती है एक्साइटोनियम के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे तो पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई संबंध, देखो 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लॉन्च की थी। क्या था इस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं वो मार्केट से काफी कुछ प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल को, इनपुट्स को प्रोक्योर करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पॉलिसी में यह कहा था कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज मार्केट से
100 यूनिट्स प्रोक्योर कर रही हैं, तो 100 यूनिट्स में से कम 20 यूनिट्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से प्रोक्योर करना होगा ताकि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का काम भी चलता रहे। तो ये था प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर CPSUs को साल के शुरुआत में ही अपने प्रोक्योरमेंट के टारगेट्स के बारे में बताना पड़ता था वेबसाइट पे। तो अब देखो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसका नाम है MSME संबंध, ताकि तमाम तरह की जानकारियां मिल सके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा PSU कितना प्रोक्योर करने वाला है, क्या हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तमाम तरह की जानकारी जो है वो इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी ताकि ये जो पॉलिसी है 2012 की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी उसको और भी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके, टारगेट्स को मॉनिटर किया जा सके। तो इसीलिए है ये MSME संबंध, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्राकोमा से संबंधित है। ट्राकोमा आंख का एक इन्फेक्टिव डिजीज है जिससे यंगर चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस तक हो सकती है, और ये डिजीज होता है पुअर हाइजीनिक कंडीशंस के कारण, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस के कारण। तो देखो नेशनल ट्राकोमा सर्वे रिपोर्ट 2014-17 के हिसाब से इंडिया अब ट्राकोमा फ्री बन गया है, काफ़ी कम केसेस सामने आए इंडिया में ट्राकोमा के। तो WHO के हिसाब से अगर 10 साल तक के बच्चों में 5% से कम केसेस सामने आते हैं तो वो देश ट्राकोमा फ्री बन जाएगा। तो हमारे देश में 10 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ 0.7% केसेस सामने आए ट्राकोमा के, तो इंडिया अब ट्राकोमा फ्री कंट्री है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है अब इंडिया में। तो क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था UPSC ने 2014 में कि विच ऑफ द अबव डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से डिजीज को हाल फिलहाल में WHO ने उस डिजीज फ्री घोषित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर वैसे 3 ओनली है। UPSC जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है तो करंट अफेयर पे काफ़ी फोकस करती है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हाँ, करंट अफेयर की रिवीजन हमने स्टार्ट कर दी, और सैटरडे संडे 2 दिन हम रिजर्व रखते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो इस हफ्ते हम जून के ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे, इस हफ्ते सैटरडे संडे जब आएगा 2 दिन हम रिजर्व रखते हैं करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला जो आर्टिकल था वो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में था। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की जो पिटीशन थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को हमने समझा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने जानी। उसके बाद हमने बोधि पर्वा जो कि एक बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज है इसको हमने डिस्कस किया। डे जीरो के बारे में चर्चा की। एक्साइटोनियम जो कि मैटर की एक नई फॉर्म है इसको भी हमने डिस्कस किया। PIB में हमने MSME संबंध के बारे में जाना, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया ट्राकोमा को। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।